हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं गांव। मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ देवता पूजने के लिए, और वहाँ पे ताऊ जी और ताई जी से भी हमें मिलना था। और साथ में आ रही है ब्रोजना दीदी, वो फरीदाबाद से अपने ससुराल से आ रही है। और नोएडा में तो कुछ रास्ता भूल गए थे वो लोग, मतलब दूसरे रोड पे आ गए थे, तो उनको कुछ आइडिया नहीं था। तो यहाँ पे मैंने स्पीकर ऑन कर रखा है और दीपक जी कर रहे हैं ब्रोजना दीदी से बात, और उनको बता रहे हैं कि उनको कैसे कैसे रूट पकड़ना है। तो बस यही बातचीत हो रही है उनकी। ठीक ही फिर गंगोला पुल पे चढ़ जाओगे आप? ठीक है ठीक है ठीक। और सुन, हाँ जब तुम यहाँ पुल पे पहुँचो सलेमपुर गेट पे, हाँ तो फिर तुम मुझे वो बता दियो, क्या वो हम भी चलेंगे तो आप कहीं से मिलेंगे। तो फिर वेट ही कर लो, इससे बढ़िया तो यहीं कर लेते, इससे बड़े गंगोला के पुल पे साइड में रोक लो, बस आध घंटे में पहुंच जाएंगे। अरे देवता देवता उन्हीं में जाएंगे जो खरक में है देवता। अच्छा। हाँ और टावर की भी तबीयत खराब हुई थी तो मिलना तो था ही उनसे। तो फिर नहीं तो चलो देख लो, जैसे भी हो तो देख लो आप। हाँ, ठीक है। इतने रुकोगे वहां अंदर जाओगे, इतनी बार बुला लूंगा मैं तुम्हें। अच्छा ठीक। या तो गांव ही चले जाओ सीधे। गांव ही चले जाएं सीधे? हाँ सीधे गांव चले जाओ। ठीक है ठीक है, आ जाओ। बस आ ही रहे, पीछे गांव चलो। इतने टावर के पास बैठोगे इतने हो जाओ। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं देवता की पूजा। हम पहले देवताओं पर आ गए हैं और दीपक जी कर रहे हैं यहाँ पे पूजा, और उसके बाद फिर घर पर जाएंगे हम लोग। तो अभी हमने देवताओं की पूजा कर ली है और अब हम जाएंगे ताऊ जी और ताई जी से मिलने के लिए, और वहीं पे मिलेंगी बिरोजना दीदी, क्योंकि बिरोजन दीदी भी ताऊ ताई जी से मिलने के लिए आई हैं। और उसके बाद फिर हम जाएंगे मौसी के घर पर। तो यहाँ पे अभी मतलब वैसे ठंडा मौसम नहीं है, ज़्यादा ठंड नहीं लग रही, जैसे मैं सोच रही थी कि गांव है तो गांव में ज़्यादा ठंड लगेगी। अच्छा मौसम है, बस थोड़ा सा फॉग है। तो अभी सुबह का ही टाइम है, 10:30 बजे का कुछ का टाइम है। तो बस अभी मिलते हैं घर जाकर। यहाँ पे ये ताई जी ने बनाई थी अंगीठी, तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए कितनी प्यारी सी सुंदर सी अंगीठी बनाई है, और मैं ले जाती, लेकिन हमारे यहाँ पे दिल्ली में ऐसा कुछ काम नहीं होता अंगीठी का। और बिरोजना दीदी और ताई जी कर रही हैं बात, तो उसके बाद फिर हम आपको लेके चलते हैं अपने घर में। तो ये कम से कम 20-25 साल पहले मम्मी पापा ने घर बनाया था, और यहाँ पे ये लोग सब देख रहे हैं, और भाई साहब भी हैं और दीपक जी हैं, बच्चे हैं। तो ये हमारा घर है, लेकिन हमारे यहाँ से मतलब कोई नहीं रहता है यहाँ पे, बस हम आते हैं तीज त्योहारों पर, क्योंकि पापा फौजी थे तो पापा और मम्मी ज़्यादातर बाहर ही रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, बहादुरगढ़, रांची। तो
तो ऐसी जगह पर इनके ट्रांसफ़र होते रहे हैं पापा के, तो दीपक जी, ब्रोजना दीदी सब बाहर रहे हैं, और बस ये घर इतना ही बना था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे फिर मम्मी भी पापा के साथ चली गई थी, तो उस वजह से यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब भी हम आते हैं, अपना ये घर को देखते हैं यहाँ पे, तो थोड़ी सी बच्चों ने ये रिकॉर्डिंग की है तो थोड़ी क्लियर नहीं की। मैंने उनसे बोल दिया था, मिश्का से और अवी से, कि आप रिकॉर्डिंग कर लो, तो कुछ ऐसी ही रिकॉर्डिंग की है। लेकिन अच्छा लगता है कि हमारा गांव में घर है। वैसे तो हम ज़्यादातर ताऊ जी और ताई जी और आरती मिल जाती है हमें घर वहाँ पे गांव में, तो हम वहीं पे रुकते हैं, खाना पीना वहीं पे खाते हैं हम। और बस ऐसे ही थोड़ा कमरे को खोल खोल के देख रहे थे ये सभी, और बहुत अच्छा लगता है। मैं वीडियो बना रही हूँ, ये हम जाते हुए बना रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में है अभी, और मौसी के गए थे। सॉरी, कोई जल्दबाजी में वीडियो नहीं बनाई है, मौसी के यहाँ की भी, और मैं अपने घर पे भी गई थी, वहाँ की भी वीडियो नहीं बनाई है मैंने, क्योंकि मैं थोड़ी एक्साइटमेंट सी रहती है, जल्दबाजी रहती है, तो उस वजह से। लेकिन अब हम जा रहे हैं आरती के घर पर, जो मेरी देवरानी भी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, तो बस उसके घर पे जा रहे हैं। वहाँ मैं थोड़ी सी वीडियो जरूर बनाऊंगी, आप सबके साथ शेयर करूंगी। और अभी हम हैं, मैं और दीपक जी, सेम ट्यूनिंग कर रखी है आज हमने, और टूटू और मिश्का ने भी सेम ट्यूनिंग की हुई है, पिंक पिंक और येलो येलो कलर में हो रखे हैं। और जो मेरे पति देव है, जो आपको कैमरे के सामने दिखते हैं, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा, ये अलग तरीके के है, कैमरे के आगे ये कुछ अलग अपने आप को दिखाते हैं। तो ऐसी आई देखो क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, मैं सही बात बोल रही हूँ, जो बात है सच है, मुंह पे बोलती हूँ। तो अभी हम जाएंगे आरती के यहाँ पे और मिलते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, और ये स्कूल की फ़ीस वगैरह के बारे में बता रही थी आरती, हम इससे पूछ रहे थे कि नोएडा में फ़ीस वगैरह कितनी है स्कूल की, तो बस यही बता रही थी। बहुत सारे फ़ोटो वगैरह क्लिक किए थे और वीडियो बस इतनी ही बनाई थी मैंने यहाँ की। उसके बाद फिर हम जा रहे हैं अपने घर पर। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में।